होपफुली आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाली हूँ सिनेमैटिक लाइट बॉक्स का, जो मैंने अमेजोन से परचेज की हुई है। ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मिलती है आपको, आउटर पैकिंग ये मिलेगी एंड इसकी मेन पैकिंग आपको ये मिलती है। एंड इसका पैकिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है एंड 5 से 6 दिन में इन्होंने डिलीवर कर दिया था प्रोडक्ट। और ये ब्रांड है गाइस होम सोल स्टोर का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो जिसको भी अच्छा लगता है प्रोडक्ट वो परचेज कर सकता है वहाँ से। और इसमें आपको 3 चीज़ मिलती हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी मतलब अपने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है अमेजोन पे। आपको फर्स्ट मिलता है यूएसबी केबल, सेकंड मिलता है आपको नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, एंड थर्ड मिलता है आपको लाइट बॉक्स। तो जो फर्स्ट है इसमें आपको नंबर्स वगैरह अल्फाबेट्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ इमोजी मिल जाएंगे, टोटल मिला के 96 को समथिंग है। एंड सेकेंड है बॉक्स, लाइट बॉक्स, एंड थर्ड कुछ भी नहीं है, नील है ये। इसमें इसमें जो है साइज की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये वाला जो साइज है गाइस ये है A6 साइज, एंड इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है वो है 15 सेंटीमीटर। एंड इसमें ना आपको 2 और 3 वाले मिल जाएंगे, तो मैंने ये 3 वाला ही लिया है। और सबसे अच्छी बात है ना कि आपके घर में कोई भी फंक्शन लाइक किसी का बर्थडे वगैरह है, तो आप यहाँ पे लिख के हैप्पी बर्थडे लिख के नीचे इमोजी रख के उस जगह रख सकते हैं जहाँ पे आप सेलिब्रेट करने वाले। तो बहुत अच्छी लगती है लाइटिंग जब इसमें लाइट चलती है, व्हाइट कलर की इसकी लाइट चलती है इसमें, एंड इसमें LED जो है वो व्हाइट कलर की है। एंड इसमें ना पीछे हैंग भी आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको हैंग करना है वॉल पे तो कर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी भी चीज़ पे ऐसे रख सकते हैं, आप अपने बेड पे रख सकते हैं या आप अपने टेबल वगैरह पे कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पे आपको डेकोरेट करना है इसको। और उसके बाद इसमें यहाँ पे स्विच ऑफ और ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ बैटरी के लिए जगह, तो यहाँ पे जो है गाइस इसमें टोटल 4 बैटरी आपको डालनी होंगी, ये आप देख सकते हैं 4 सेल आपको डालने होंगे। इसमें साइज होगा वो है जो आपके नॉर्मल टीवी के रिमोट में होता है ना, वही वाला साइज है इसमें। एंड इसके जो है ये व्हाइट एंड ब्लैक में ही आपको मिलेगा, और इसका जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक, टोटल प्लास्टिक दिया हुआ है। एंड गाइस इसके साथ आपको बैटरी नहीं मिलती है, आपको बैटरी खुद लेनी होती है, मीन्स कि आपको 4 सेल खुद परचेज करने होते हैं, सेलर्स में आपको ये इंक्लूड करके नहीं देता है। एंड इसके साथ जो अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं वो कुछ इस टाइप से मिले हुए हैं ब्लैक कलर के, एंड इमोजी जो है वो कलर्ड मिलते हुए इस टाइप के, टोटल 96 हैं। मैं इसको अब यूज़ करके दिखा देती हूँ, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। ये मान लीजिए मुझे कुछ भी मतलब मैंने ऐसी सिर्फ ऐसे यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको, तो आपको कुछ यहाँ पे ये वाले जो नंबर्स हैं ना आपको यहाँ पे फिट करने होते हैं, यहाँ से ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ही फिट करने होते हैं ऐसे। एंड गाइस जो इसकी बैटरी वाला है ना ये बार बार ये देखो, जैसे अभी तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही इसमें आप सेल डालोगे ना, मैं डाल के एक बार और दिखा देती हूँ आपको। पहली बात इसमें सेल ना सही से देखो बार बार निकल रहे हैं ये, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं सारी इसलिए एक चीज दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, आपको वीडियोस क्यों देखते हैं, इसीलिए तो देखते हो ताकि लोगों को पता चल जाए। तो ये देखो आप, ये आप देख रहे हो ना, ये देखो ये इतना गैप आ गया, मतलब सेल डलने के बाद ना ये गैप आ गया, और ये जैसे आप करोगे ना तो अपने आप निकल जाएगा, ये देखो आपको दिख रहा होगा काफी ऊपर, मतलब शेप इसकी बन गई है, तो मतलब ये देखो अपने आप निकल गया, अपने आप निकल गया सेल, और ये देखो खुद खाली हो गया। गाइस में ये मैंने आपको दिखाने के लिए रैंडम ऐसे ही लिख दिया हैप्पी 1 ईयर डन, ताकि आपको ना एक अच्छे से प्रॉपरली आइडिया हो जाए। और मैं इसको अब एक बार ऑन करके भी मैं नाइट में दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वीडियो शूट है ना मैं जो कर रही हूँ नाइट में ही कर रही हूँ, तो अब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसकी लाइट कितनी है और ये जब लाइट ऑन होगी तो किस मतलब कितना ज़्यादा हाईलाइट होंगे इसके जो मतलब जो भी आप लिखोगे, तो आप ये देख सकते हैं। एंड गाइज दोबारा से मैं साइज की बात कर रही हूँ इसके, इन्होंने जो लिखा हुआ है वो इन्होंने लिखी हुई लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ लिखी हुई 15 सेंटीमीटर, बट मैंने जब इसको स्केल से नापा तो इसकी जो गाइज इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर है, एंड इसकी जो चौड़ाई है आप देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो बहुत ही कम है। एंड ये भी एक रीज़न है इसको रिटर्न करने का, तो मतलब जो लिखा है वो कुछ भी ऐसा नहीं है, और पीछे से जैसे मैंने आपको बताया ये दिखाने के लिए मैंने ना आपको देखो ये पीछे से टेपिंग की हुई है, जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया था ये बार बार निकल रहा था, तो मैंने इसको ना टेप करके लगा दिया सिर्फ दिखाने के लिए आपको। तो गाइज आप देख सकते हैं वैसे अगर आपको समझ में आता तो। और एक चीज और मुझे जो प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना ये वाला ये
ये देखिए, जब आप ये लिखो इनमें वो करते हो ना अंदर इंस्टॉल, तो ये देखो, ये आप नोटिस करो, ये चीज़ निकलती है। तो क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है, इतनी कोई खास नहीं है। एंड मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी, तो मैं इसको एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, बट देखती हूँ एक्सचेंज के बाद अगर ये बिल्कुल भी सही नहीं आता तो मैं इसको बिल्कुल रिटर्न करने वाली हूँ फिर। एंड इसमें जो है आप सिर्फ सिक्स ही, चाहे आप नंबर यूज़ कीजिए इसमें या आप अल्फाबेट्स यूज़ करना चाहते हैं, वो सिक्स ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो उस बोले अगर आपको कुछ लिखना हो, कुछ भी बड़ा लिखना हो, लाइक अगर मुझे लिखना है टेंशन फ्राई अप अपने चैनल का नाम, तो फ्राई अप इसमें नहीं आने वाला है। तो मतलब मुझे दो पार्ट में कर उसको करना पड़ेगा तब जाकर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें ओनली सिक्स सिक्स डिजिट ही हो सकती हैं। और मैं इसको एक्सचेंज पे मैंने इसको डाल दिया। एक्चुअली मैं पहले रिटर्न की सोची थी, बट फिर सोचा मैंने कि हो सकता है कई बार ना प्रोडक्ट आपको गलत रिसीव हो जाते हैं, बाई मिस्टेक गलत वो पैकिंग कर देते हैं और रिसीव हो जाते हैं। तो मैं इसको एक्सचेंज पे डाल दिया। उसके जो हैं वो तीन रीज़न है। फर्स्ट जो इन्होंने बोला हुआ है साइज, इन्होंने जो अपनी वेबसाइट मीन्स की जो अमेजोन की वेबसाइट पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट के में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इन्होंने A5, बट जिन्होंने जो दिया है मुझे भेजा है वो भेजा है A6। तो A5 से बहुत छोटा होता है A6 साइज। सेकंड जो इन्होंने है वो है, इन्होंने जो पावर मोड है वो दो टाइप के दिए हुए हैं, नंबर वन बैटरी वाला, सेकंड दिया हुआ है इन्होंने USB वाला। USB में फायदा ये होता है इसकी बैटरी में ना, आप बार बार जो अगर आप चार बैटरी लेके आएंगे तो आपको अराउंड 100 रुपीज के आप ले लेते हैं, लेकिन उसमें ये फायदा कि लाइट से आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो कम से कम आपका वो पैसा बच जाता है वहाँ पे, एंड आपको दो टाइप की सहूलियतें मिल जाती है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने कहीं भी आप देखोगे USB का कोई पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है, तो आप USB केबल लगाएंगे कहाँ पर। थर्ड जो है वो है USB केबल, USB केबल भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने। मतलब चलिए USB केबल नहीं देते, USB पॉइंट दे देते तो ये बहुत बड़ी हो जाता कि चलो USB तो हर किसी घर में केबल पड़ा ही रहता है तो वो मैं कनेक्ट कर सकती थी, बट ना तो इन्होंने USB पॉइंट दिया हुआ जैसा इन्होंने लिखा हुआ, ना ही USB केबल दिया हुआ इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। तो इसलिए मैंने इसको एक्सचेंज पे डाल दिया है, और जैसे ही एक्सचेंज हो जाएंगे मैंने उसके बाद भी मैं रिव्यू करूँगी कि हाँ ये प्रोडक्ट सेम वो इन्होंने बाई मिस्टेक भेजा है, ये लोगों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं कि लिखा कुछ और है साइट पे और भेज कुछ और रहे हैं, ताकि आप लोग अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो एटलीस्ट आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको USB केबल नहीं मिलेगा, USB पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें, एंड इसका साइज आपको छोटा साइज मिलेगा। तो बस मतलब ये तीन चीज आपको अपने ध्यान में रखनी होगी तब आप इसके ऊपर। वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड होपफुली ये मेरा वीडियो काफी हेल्पफुल वाला रहा हो आपके लिए, एंड जो लोग सोच रहे हैं इसको परचेज करने की तो उनको काफी चीजें मतलब काफी के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।